भारी भूस्खलन के चलते करीब 6 घंटे बंद रहा संगड़ा रेणुकाजी नाहन रोड। दनोई नामक स्थान पर गत सप्ताह से बार बार हो रही है लैंडस्लाइडिंग। पीडब्ल्यूडी द्वारा मलबा हटाने के लिए सभी मुख्य सड़कों पर की गई है प्राइवेट जेसीबी मशीनों की व्यवस्था। सड़कें ठीक होने के बावजूद उपमंडल मुख्यालय संगड़ाहा में सप्ताह भर बाद भी बसें न चलने से क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। संगड़ाहा में करीब 4 माह से खाली पड़े हैं पीडब्ल्यूडी के एक्सियन व एसडीओ के पद। दनोई के आसपास ही गत गुरुवार को कार पर भारी भरकम पत्थर गिरने से बाल बाल बची भारतीय सेना के जवान की जान। संगड़ाहा रेणुकाजी नाहन रोड पर सोमवार प्रातः भारी भूस्खलन होने या तो पहाड़ी दरकने से उक्त सड़क बाद दोपहर 2 बजे तक करीब 6 घंटे बंद रही। जानकारी के अनुसार हैवी लैंडस्लाइडिंग से पहले यहां छोटे पत्थर गिरने से लोग सतर्क हो गए थे, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा यहां नहीं हुआ। इससे पूर्व गत गुरुवार को भी दनोई के आसपास ही पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने से कार का अधिकतर हिस्सा चकनाचूर हो गया और गनीमत यह रही कि इसमें मौजूद संगड़ाहा के रहने वाले भारतीय सेना के जवान बाल बाल बच गए। उकसान पर करीब 2 किलोमीटर तक लैंडस्लाइडिंग जोन होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग अथवा प्रशासन द्वारा यहां चालकों अथवा यात्रियों को सतर्क करने के लिए साइन बोर्ड न लगाए जाने पर भी इलाके के लोगों ने नाराजगी जताई। गौरतलब है कि गत शनिवार व रविवार को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद इस जगह पर कई बार भूस्खलन हो चुका है और विभाग के अनुसार यहां प्राइवेट अथवा ठेकेदारों की 2 जेसीबी लगभग लगातार यातायात बहाल करने के लिए डिप्लॉय की गई है। भारी बारिश के दौरान यहां हालांकि विभाग ने पूरे दिन सड़क बंद नहीं रहने दी, मगर बार बार हो रही लैंडस्लाइडिंग से बीच बीच में यातायात जरूर बाधित हो रहा है। संगड़ाहा में पिछले करीब 4 माह से पीडब्ल्यूडी के एक्सियन व एसडीओ के पद खाली होने के चलते अधिशासी अभियंता शिलाई व एसडीओ रेणुकाजी को यहां का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और संबंधित अधिकारियों के पद खाली होना भी क्षेत्र के अलग अलग गाँव के लिंक रोड पर अब तक यातायात बहाल न होने का मुख्य कारण समझा जा रहा है। सहायक अभियंता राजेश धीमान ने कहा कि उसका लना तो मलबा गिरने की जानकारी मिलते ही यहां 2 जेसीबी मशीनें तैनात की गई थी और सड़क पर दोनों और फंसे वाहनों को निकालने के बाद पूरा मलबा हटाने के लिए करीब 2 बजे तक यातायात बाधित रहा होगा। उन्होंने कहा कि उक्त स्थान पर बार बार भूस्खलन होने के बावजूद विभाग द्वारा लगातार ठेकेदारों की 2 जेसीबी डिप्लॉय की गई है और सड़क बंद होते ही मलबा हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। विभाग द्वारा हालांकि कुछ ही घंटों में क्षेत्र की इस मुख्य सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, मगर इसके बावजूद हफ्ता भर बाद भी नाहन व रेणुकाजी से उपमंडल मुख्यालय संगड़ाहा के लिए HRTC बसें नहीं चल रही है। लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों के अनुसार उप सड़क पर प्राइवेट बसें और अन्य बड़े वाहन चल पड़े हैं और सड़क पूरी तरह से ठीक है। इसके अलावा संगड़ाहा का तदारशिलाई रोड पिछले 9 दिन से बंद पड़ा है और यहां 2 प्राइवेट बसेज भी तब से फंसी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बसों अथवा वाहनों की आवाजाही बंद होने के चलते उनके घरों में राशन अथवा खाद्य सामग्री भी खत्म हो गई है और लोक निर्माण विभाग अथवा संबंधित ठेकेदार द्वारा अब तक काम शुरू भी नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता संगड़ाहा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे एक्सचेंज शिलाई नरेंद्र वर्मा ने कहा कि दरअसल गत्ताधार में पहाड़ी धंसने से रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है और यहाँ जमीन के मालिक भी कुछ अड़चन डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द यहाँ प्राइवेट JCB अथवा ठेकेदार के माध्यम से यातायात बहाल करने का काम शुरू करवाया जाएगा और क्षेत्र की अन्य सभी मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आगे गिर गया।